हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि माह जुलाई का मासिक मूल्यांकन माह के अंत में यानी कल से शुरू होने वाला है और इसी प्रकार हर माह के अंत में आपका मासिक मूल्यांकन हर माह होगा। तो इसकी तैयारी के लिए जो आपका फर्स्ट और सेकेंड पेपर है जो कि आपका कल होने वाला है तो उसको आज हम देख लेंगे। तो यहाँ मैं आपका विषय विज्ञान का जो मासिक मूल्यांकन का पेपर है वो आपके सामने लेकर आ गई हूँ। इसमें जो भी प्रश्न है उनको हम अच्छे से समझेंगे, साथ में आप उनको बहुत अच्छे से याद कर लें क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से भी आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका जो पूर्णांक है वो है 20 अंक, मतलब कि जो आपके मासिक मूल्यांकन का जो टेस्ट है, जो पेपर बनेगा वो आपका 20 अंक का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक दिन में दो विषय के टेस्ट होंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रश्न क्रमांक जो एक है वो है सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है, ये 4 अंक के होंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो पहला है, जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे कहते हैं। तो ऊष्मा का अवशोषण जब होता है तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है और यदि ऊष्मा का उत्सर्जन होता तो उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता। तो यहाँ पे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। उसके बाद हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पत्ती। उसके बाद किसी पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि उपभोक्ता। तो ये चारों जो आपके विकल्प थे उनके उत्तर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते रिक्त स्थानों की पूर्ति। ये आपके 3 अंक के हैं। लोहे की वस्तुओं को खाली स्थान से बचाने के लिए उन पर पेंट किया जाता है। तो इसका सही हो जाएगा संक्षारण। संक्षारण यानी होता है किसी भी चीज़ को अपघटित होना या उसमें जैसे कि लोहे में जंग लग जाती है, तो इसलिए यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, संक्षारण, ठीक है। उसके बाद फिर वर्षा जल, पानी वर्षा के जल को एकत्रित करना, इसे उपयोग में लाना क्या कहलाता है, तो कहलाता है वर्षा का संचयन। वर्षा, यहाँ पर वर्षा के जल का, वर्षा के जल का संचयन, ये शब्द आपको याद रखना है, संचयन, ठीक है, ये कहलाता है। उसके बाद फिर ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला जो रसायन है वो है आपका CFC। क्या है? CFC, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, ठीक है। क्लोरो में आधा का आएगा और फ्लोरो में भी आधा फा आएगा, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3, एक शब्द में आपको यहाँ पे या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखना है, 2 अंक का है। मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन जो है वो मानव उत्सर्जन तंत्र यानी कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। फिर मनुष्य में मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर कौन सा तंत्रिका तंत्र बनाते हैं? तो ये भी CNS होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक अंतर लिखना है और उसके अथवा में है वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हम जल्दी से देख लेंगे। देखिए यहाँ पे विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में जो अंतर है वो क्या है, विस्थापन अभिक्रिया जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो वो कहलाती है, और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या कहलाती है, इस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। मतलब इसमें पूरे तत्व उसके यौगिक से जब विस्थापित हो जाता है, एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो वो कहलाती है विस्थापन, और जब अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह
का आपस में आदान प्रदान होता है तो उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो अच्छे से आप समझ लें और इनको याद कर लें। अगला प्रश्न था कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्यों साफ किया जाता है। तो इसका उत्तर हम देखेंगे कि जो मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला बनाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन वायु में उपस्थित रहता है तो जो रिबन है उसकी ऊपरी सतह पर ये जमा रहता है। इसलिए वायु में जलाने से पहले जो रेगमाल पेपर रहता है उससे रगड़ कर इसे साफ किया जाता है ताकि ऑक्सीजन से वो आसानी से संयोग कर सके। ये सारे प्रश्न दो दो अंकों के हैं। अगला प्रश्न है एटीपी का पूरा नाम लिखना है, इसे ऊर्जा मुद्रा क्यों कहा जाता है, उसके अथवा में जाइलम और फ्लोएम में दो अंतर लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड परीक्षा में भी ज़रूर आता है। तो हम यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम में दो अंतर देख लेते हैं। आप इसी प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिए। जाइलम में क्या होता है, इसमें वाहकाओं जाइलम मृदूतक तथा जाइलम फाइबर होते हैं, ठीक है। इसमें चालनी नलिकाएं, सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम तथा फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं। जाइलम क्या करता है, मृदा से जल तथा खनिज लवणों को पादप के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। यहीं पर जो फ्लोएम है वो पत्ती से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। मतलब ये जल और खनिज लवणों का आदान प्रदान करता है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ पे पौधों से विभिन्न भागों, पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जाइलम मृदूतक के अलावा अधिकांश कोशिकाएँ मृत कोशिकाएँ होती हैं। फ्लोएम तंतु के अलावा अधिकांश कोशिकाएँ जीवित कोशिकाएँ होती हैं। तो आप नीचे के दो अंतर भी याद कर सकते हैं और इनको थोड़ा सा अपनी भाषा में लिख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है, उसके अथवा में पादप हार्मोन ऑक्सिन के तीन कार्य लिखना है। तो देखिए यहाँ पे तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे केंद्रक है, ये द्रुमिका है, उसके बाद तंत्रिकाक्ष है, ये जो इस तरीके से खाने बने हुए हैं, तंत्रिका का अंतिम सिरा और कोशिका काय, ये जो बीच का भाग दिख रहा है वो कोशिका काय है। तो इस तरीके से आप इसका नामांकित चित्र बना दीजिए। उसके बाद हम देखेंगे ऑक्सिन के तीन कार्य जो कि पादप हार्मोन है। एक तो वृद्धि के नियंत्रण में मदद करना, पौधों के ऊपरी सतह में निर्माण जो भी कार्य रहता वो करना। प्रमुख कार्य है पौधों में शीर्ष की प्रमुखता होती है, पत्तियों के विगलन को रोकता है, ठीक है। तो ये इसके प्रमुख कार्य हैं। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाना है और मनुष्य में पाई जाने वाली किन्हीं चार अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम एवं एक एक कार्य आपको लिखना है। तो यह हम देखेंगे प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र है आपके सामने, इसको आपको ऐसे कैसा बना देना है। ये देखिए मैंने और जूम कर दिया है, इसमें मेरु रज्जू, ठीक है, ये जो कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपको जो मेंशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे संवेदी तंत्रिका कोशिका, प्रेरक तंत्रिका कोशिका, ये सब जो कुछ भी अंग हैं उनको आपको यहाँ पे जो भाग है उनको मेंशन कर देना है। ये अथवा में हम जाएंगे तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायरॉयड ग्रंथि, पाराथायरॉयड ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, अग्नाशय की लैंगरहंस दीपिकाएं और जनन ग्रंथियां, ये मुख्य जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तो यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथियों के जो कार्य हैं वो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। और यदि आप एक एक ग्रंथि का अलग अलग से कार्य लिखना चाहते हैं तो फिर आप कोई दो ग्रंथि याद कर लीजिए और उनके अलग से दो कार्य आप पढ़ लीजिए। तो इसी तरीके से अब आपका जो दूसरा सब्जेक्ट का पेपर होगा तो उसका भी वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगी।